हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका INT हिंदी टेक चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि INT हिंदी टेक के तरफ से एक और बैंक ढूंढ निकाला गया है जिसमें आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि INT हिंदी टेक को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाले घंटी पर क्लिक कर दें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं हम गूगल प्ले स्टोर में आ चुके हैं और हम बात कर रहे थे यहां पर KVV का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके बारे में। यहां पर डिलाइट अकाउंट और मोबाइल बैंकिंग के लिए एप्लीकेशन है, तो चलिए इसे हम ओपन करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। इंस्टॉल करने के बाद आपको दो प्रकार की ऑप्शंस नज़र आ जाएगी, एक होता है बैंक अकाउंट जो यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन की, दूसरा होता है ओपन ए डिलाइट सेविंग अकाउंट। तो आपको मैं बता दूं कि 3 इजी स्टेप है डिलाइट सेविंग अकाउंट के लिए। तो यहां पर डिलाइट सेविंग अकाउंट पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यस करना है, यस करने के बाद आप डायरेक्ट चले जाएंगे डिलाइट अकाउंट ओपनिंग पे। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां का जो टर्म एंड कंडीशन वो आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल से आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देकर नेक्स्ट करना होगा। तो चलिए यहां पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देते हैं। दोस्तों हमने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दिया है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर एक वेरिफिकेशन OTP आएगी, उसी वेरिफिकेशन OTP को यहाँ पर एंटर करना है। मैं आपको बता दूँ कि OTP जो होगी वो बहुत ही लंबा होगी, आप देख सकते हैं कितने लंबे में यहाँ पर OTP दिया गया है, 6 डिजिट से ज़्यादा यहाँ पर है, 8 डिजिट की OTP है। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फाइनली ये वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर डालना है, तो चलिए यहां पर हम आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर डाल देते हैं। दोस्तों आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर डालने के बाद यदि आप इंडिया के रहने वाले हो तो यहाँ पर इंडिया पर सेलेक्ट करें, अगर अदर कंट्री के रहने वाले हो तो अदर पर सेलेक्ट करें, उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपके आधार नंबर पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी आधार वेरीफिकेशन के लिए, उसी OTP को यहाँ पर एंटर करके आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई के क्लिक करने के बाद वेरीफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी, तो हमारा जो आधार नंबर का जो OTP है वेरीफिकेशन का वो आ चुका है। तो चलिए यहाँ पर हम OTP डाल देते हैं। OTP डालने के बाद सिंपल से आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। ओह सॉरी, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको फर्स्ट टाइम में जो मोबाइल नंबर देना है वो यहाँ पर आधार नंबर से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, यानी कि आधार कार्ड में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो चलिए हम अभी यहाँ पर मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं, दूसरा मोबाइल नंबर डाल देते हैं जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है। तो चलिए यहाँ पर हमने डाल दिया। डालने के बाद मैं बता दूं आपको कि मैंने वीडियो स्किप कर दिया ताकि वीडियो जो है लंबा ना हो जाए। तो फिर से हम यहाँ पर OTP प्रोवाइड करेंगे इसमें, और OTP डालने के बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ हमारे मोबाइल नंबर पर अभी OTP आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट टाइम जब भी मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है, अगर बैंक के साथ आपको रजिस्टर करना है मोबाइल नंबर, तो वो आपके आधार नंबर से ज़रूर लिंक होनी चाहिए, मोबाइल नंबर वही आपको देना है। तो चलिए OTP आ चुका है, OTP हम डाल देते हैं, उसके बाद सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेस होगी, यहाँ पर वक्त लग सकता है आपको। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार नंबर की सारी डिटेल यहाँ पर खंगाल दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि शुरू में जो आप मोबाइल नंबर दीजिएगा वो आधार कार्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आधार कार्ड की सारी डिटेल यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद सिंपल से आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ डिटेल डालनी है, जिसमें मदर्स नेम डालनी है, आपको प्रीफर्ड ब्रांच लोकेशन डालनी है, मैरिड स्टेटस डालनी है, आप क्या करते हैं वो डालना है, आपका इनकम कितना है, रिलीजन क्या है, ये सारी कुछ डालने के बाद आपको फिनिश करना है। तो चलिए यहां पर हम सारा कुछ फिल कर देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सारी डिटेल फिलअप कर दिया है, उसके बाद सिंपल से हम फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पर हमने फिनिश के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ी देर वेट करने के बाद आपके सामने अकाउंट नंबर वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोसेस है बिल्कुल लास्ट का प्रोसेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें अकाउंट नंबर और यहाँ पर कस्टमर आईडी वगैरह सारा कुछ मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आप देख सकते हैं ये जो अकाउंट है वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है। अगर 1 साल से ज़्यादा आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसे ब्रांच जाकर आपको फुल KYC करवाना पड़ेगा। और नीचे में देख सकते हैं ऐड मनी की ऑप्शन है और यहाँ पर क्रिएट पिन। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्रिएट पिन करूँगा, तो चलिए यहाँ पर हम पिन का
पिन जो है क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन पिन क्रिएट करने को बोला जाएगा, तो चलिए हम 6 डिजिट का यहाँ पर लॉगिन पिन डालते हैं जो 2 बार हमें डालना होता है। तो चलिए यहाँ पर एंटर करते हैं दोस्तों। एंटर करने के बाद हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर एम पिन सेट करने को बोला जा रहा है जो 4 डिजिट की होती है। तो चलिए हम यहाँ पर एम पिन जो है चूज़ कर लेते हैं। एम पिन चूज़ करने के बाद हम नीचे से सबमिट करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि ऐड मनी की फैसिलिटी अभी हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार आप NEFT और IMPS वगैरह से UPI से आप कर सकते हैं बेहद ही आसानी से। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने सारा पिन क्रिएट कर लिया है। अब सिंपल से यहाँ पर लॉगिन पिन डाल के हम लॉगिन कर जाएंगे इस एप्लीकेशन में। और दोस्तों यहां पर सबसे खुशी की बात है ये है कि यहां पर आपको UPI वगैरह सारा मिलेगा इस अकाउंट का। आप बहुत ही आसानी से यहां पर UPI क्रिएट कर सकते हैं और भारत QR कोड से भी यहां पर पेमेंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहां पर फंड ट्रांसफर भी बहुत ही आसानी से होती है इंस्टेंट में। IMPS NEFT RTGS सारा कुछ आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यहां पर यह है कि आपको सारे स्टेट में इसका ब्रांच देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल हम यहां पर UPI नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो मोबाइल नंबर हमने रजिस्टर्ड किया है वो हमारे दूसरे डिवाइस में लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर अभी जो है UPI इसका क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए हम बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पर सारी फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको UPI वगैरह क्रिएट करना है। यहाँ पर फंड ट्रांसफर में आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। और दोस्तों एक बात और मैं बता देना चाहूँगा कि आज इस बैंक को ओपन कीजिएगा तो कल जाके ये एक्टिवेट होगा आपका सक्सेसफुली। तो यहाँ पर ऐड मनी की प्रोसेस क्या है मैं आपको अगले वीडियो में दिखा दूंगा, क्योंकि अभी जो है इसका इंटरनेट बैंकिंग हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कस्टमर आईडी जो है एक्टिव नहीं बताया जा रहा है। तो हमने कस्टमर केयर से यहाँ पर बात किया तो उन्होंने बताया कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो कल जाके एक्टिवेट हो जाएगा सक्सेसफुल। अगर डेबिट कार्ड की बात करें तो डेबिट कार्ड आपके घर पर आ जाएगी फ्री में, आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। यहीं पर बात करें वर्चुअल डेबिट कार्ड की तो वर्चुअल डेबिट कार्ड नहीं मिलती है। तो दोस्तों मिली जानकारी से यदि आप संतुष्ट हैं तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।